ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। तो जो मिथुन राशि के स्वामी होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं, जो कि इस महीने में आपको पूरे सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन जो ये महीना रहेगा वो न्याय का महीना रहने वाला है, आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। जैसा कर्म करेंगे आपको रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ध्यान रखें कि जो ये महीना है आपको अपने कर्मों के ऊपर काम करना है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बुध है वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि बेवजह के खर्चे बढ़ा रहे हैं और हेल्थ से रिलेटेड इशू क्रिएट कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं स्किन प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपका नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम दे सकते हैं, जो नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो आपका जो माइंड है, जो आपका मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब रह सकता है। तो इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे कुछ भी हो जाएगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन फिर भी जो आपका इम्यून सिस्टम है आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगा सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। इस टाइम में अपने माता पिता की हेल्प पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, नहीं तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं जून का महीना मैरिड कपल्स के लिए और लव कपल्स के लिए कैसा रहने वाला है। आप दोनों के लिए ये जो टाइम है बहुत सपोर्ट में रहेगा, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी बात ना बोलें या कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, जिससे आपका जो रिश्ता है बेवजह खराब हो जाए। आपको अगर अपना रिश्ता संभालना है तो अपनी वाणी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टाइम रहेगा वो भी ठीक रहने वाला है, आपका जो फोकस है आपकी पढ़ाई पर रहेगा, लेकिन ओवर जो कॉन्फिडेंस है वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जो लोग जॉब में हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, उन लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लंबी लंबी यात्राएँ हो सकती हैं। जो लोग जॉब में हैं उन लोगों को भी अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रमोशन के चांस बन रहे हैं, लेकिन अपनी वाणी में अगर आपने थोड़ी सी भी खराबी की या फिर कोई भी ऐसी बात बोली जिसकी वजह से सामने वाले को प्रॉब्लम हो, इस वजह से आपका जो मौका आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो अपनी वाणी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये महीना आपके पूरे फेवर में रहेगा। क्योंकि ये जो महीना मैंने कहा ना कि ये न्याय का महीना रहने वाला है, इस महीने में न्याय होगा। जो भी आप अपने कर्म करेंगे आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जो रिजल्ट हैं सारे के सारे आपके फेवर में रहने वाले हैं, नहीं तो आपके जीवन में संघर्ष रहने वाला है। तो इस महीने के लिए जो आपका लकी नंबर है वो 7 है और जो लकी कलर है वो लाइट ग्रीन है। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, आपको इस महीने में क्या करना है जिससे आपका जो ये जून का महीना है आपके फेवर में रहे, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। जो मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं, तो आपको गणेश भगवान जी की आराधना करनी है, उनकी पूजा कीजिए। साथ में ये जो महीना है आपको इस महीने में सूर्य अस्त के बाद शनि चालीसा का पाठ करना है, शनि के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जून का महीना आपके फेवर में कैसे रहे, आपको क्या करना चाहिए। जून के महीने में आपको गणेश भगवान जी की आराधना करनी है, उनको दूर्वा अर्पण करें, लड्डू का भोग लगाएं, इसके साथ ही अपने कर्मों पर भी ध्यान दें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य अस्त के बाद शनि चालीसा का पाठ कीजिए, शनि मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मजदूरों की सेवा कर सकते हैं, गाय को हरा चारा या पालक ज़रूर खिलाइए। साथ में आप कोशिश करिए कि किसी भी काले कुत्ते को या फिर किसी भी कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, इससे भी जो शनि देव हैं वो प्रसन्न रहते हैं। या अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो जून का महीना है आपके फेवर में रहने वाला है और आपका जो जून का महीना है बहुत ही लाइफ में आपकी खुशियां लेकर आएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो हंसते रहिए, सेव वाटर सेव ट्री। ओम नमः शिवाय।